आगामी शनिवार से सितंबर महीने की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए खबर जरूरी है जो कि बैंक का काम निपटाना चाहते हैं। बता दें आपको, अगर आपको कोई भी जरूरी काम है तो कल यानी कि 31 अगस्त के दिन निपटा लें, क्योंकि 1 सितंबर से लगातार 5 दिन बैंक बंद हो सकते हैं। दरअसल 2 सितंबर को रविवार है जबकि 3 सितंबर को जन्माष्टमी है, तो वहीं बैंकों की साप्ताहिक छुट्टियां, त्योहार की छुट्टी और रिजर्व बैंक के अधिकारियों की हड़ताल का सिलसिला भी इसी दौरान है। 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक बैंकों का काम या तो बंद रह सकता है या फिर थोड़ा बहुत प्रभावित भी हो सकता है। दरअसल इस साल सितंबर महीने की शुरुआत शनिवार से हो रही है, इस वजह से कई राज्यों में बैंक या तो बंद रहते हैं या फिर बैंक आधे दिन ही काम करते हैं। तो वहीं अगर बात करें 4 और 5 सितंबर की, तो इस दिन यूनाइटेड फोरम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय के सदस्य अपनी मांग को लेकर सामूहिक अवकाश पर जाने वाले हैं, और अगर ऐसा हो गया तो व्यावसायिक बैंक का कामकाज पूरी तरह से ठप होना समझिए। तो वहीं आगामी 6 और 7 सितंबर को हड़ताल की वजह से काम बंद हो सकता है, तो वहीं आगामी 8 सितंबर को शनिवार और 9 सितंबर को रविवार है, यानी कि अगले हफ्ते छुट्टियों की वजह से अगर आपको मुश्किलों से दो चार नहीं होना है तो अपने बैंक के काम फटाफट निपटा लें। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।